वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू ऑल इन जीडीसी डीसी जीपे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मैराथन क्लासेस के लिए आज बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं यानी टोटल आज की भी जो मैराथन क्लासेस है उसमें फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा बायोटेक्नोलॉजी क्लियर तो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो बायो केमिस्ट्री में भी आपने सॉल्व किए होंगे मतलब बायोटेक्नोलॉजी और बायो केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर्स क्या हो जाते हैं कॉमन हो जाते हैं तो कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बायोकेमिस्ट्री से तो आपको परेशान नहीं होना है आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज कुछ ऐसे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे बायो और बायोटेक्नोलॉजी में जो क्या है कॉमन है क्लियर वॉइस इज क्लियर ना आवाज आ रही है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिया गया है स्टूडेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज सिक्वेंसिंग ऑफ डीएनए इज मच इजियर देन आरएनए सीक्वेंसिंग सिक्वेंसिंग ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑब्वियस डीएनए की जो सिक्वेंसिंग होती है वो आरएनए के कंपेयर में क्या होती है इजियर होती है क्योंकि डीएनए क्या होता है स्टेबल ज्यादा होता है सेकंड नंबर ऑफ कार्बन सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे डीएनए में क्या होता है ओएच ग्रुप अपसेंट होते हैं दैट्स यहां पर क्या हो जाएगा ये स्टेबल ज्यादा होगा सेकंड है द केमिकल मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग दैट इज द मैगजन और गिलबर्ट मेथड बॉक्स फॉर ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं जी ये सिंगल स्टैंडर्ड के लिए वर्क ही नहीं करते अपन ये बायो में भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर शायद आंसर भी डायरेक्ट आ गया है ना अच्छा 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 आंसर भी क्लियर हो गया है यानी स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स ठीक है बाई डिफॉल्ट करेक्ट आंसर ही आपके सामने स्क्रीन पे आ गया कोई बात नहीं ठीक है तो स्टेटमेंट फर्स्ट याद रखेंगे बायोकेमिस्ट्री में भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री uh, वन मेराथन में आए थे उस केस में भी यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था है हाँ ना तो वहां पर भी हम लोगों ने क्लियर किए थे और वहां पर मैंने आपको बताया था कि दो मेथड एक सेंगर मेथड है और एक आपका मैगज एंड गिलबर्ट मेथड है सिंगर मेथड में क्या होता था तो दिस मेथड यूज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन से मेथड में यूज किए जाते हैं तो सेंगर मेथड में यूज किए जाते हैं और अगर हम मैग्जिम और गिलबर्ट मेथड की बात करें तो बेस्ड ऑन द न्यूक्लियो बेस स्पेसिफिक पार्शियल केमिकल मोडिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड क्लीवेज इसके बेस पर होते हैं तो एक बार आपको क्या करना है ध्यान रखना इन चीजों का ठीक है चलिए कम टू द सेकेंड क्वेश्चन द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस आर्टिफिशियल यानी मैनमेड की बात हो रही है मैनमेड सीड का प्रिपरेशन या सिंथेटिक सीड का प्रिपरेशन किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं उस प्रोसेस से आपको क्वेश्चंस दिया गया है फर्स्ट है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड कल्चर सेकंड है सोमैटिक इम्ब्रियोज एंड इम्रियोजेसेशन थर्ड है माइक्रो प्रोजेक्टाइल एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस तो विच वन ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट द आर्टिफिशियल क्वेश्चन नंबर फाइव टू का करेक्ट आंसर क्या होगा क्या होगा करेक्ट आंसर इम्ब्रियजनेसिस एंड ईमोबिलाईजेशन ऑप्शन नंबर सेकेंड यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होंगे बेसिकली क्या होते हैं तो आपको ध्यान रखना कि जो सोमैटिक सेल होते हैं यानी जो मेन हमारा सेल है पेरेंटल सेल है उसी को हम क्या कहते हैं सोमेटिक सेल कहते हैं इसी सेल में क्या होता है बेटा सारा डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होकर एक नई सीड और सीड से प्लांट का क्या किया जाता है फॉर्मेशन किया जाता है तो देखिए प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड का दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोमैटिक इम्ब्रियोजेनेसिस इम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है इम्ब्रायो का जनरेशन होना यानी कि फॉर्मेशन होना देन मैच्योर सोमैटिक सेल इम्ब्रियो बनेंगे देन होंगे सीक्वेंस मतलब है जिस सीक्वेंस के थ्रू हम आर्टिफिशियल सीड का फॉर्मेशन या तो हम कह सकते हैं सिंथेटिकली लैबोरेटरीज के अंदर में सीड का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द डी नेचुरेशन साइकिल इन पोलिमरेज चैन रिएक्शन द टेम्परेचर इज रेज टू तो आपने पढ़ा होगा ना रिएक्शन यानी पीसीआर के बारे में आपने डिस्कस किया होगा जिसमें क्या होते हैं सिंगल डीएनए से मल्टीपल कॉपीज क्या किए जाते हैं तैयार किए जाते हैं टोटल थ्री होगा फर्स्ट स्टेज क्या है डी नेचुरेशन सेकेंड क्या है एनिलिंग और थर्ड स्टेज हमारा क्या है स्टूडेंट तो वहां पर थर्ड स्टेज हमारा एक्सटेंशन आता है ठीक है तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को यूज किए जाते हैं तो विच वन ऑफ द टेम्परेचर इज यूज इन

तो पीसीआर में करेक्ट आंसर आपने पढ़ा होगा नाइनटी टू 98 डिग्री सेल्सियस बेसिकली क्या होते थे पहले डीएनए पॉलीमरेज ऑप्शंस ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा नो डाउट ठीक है आपने पहले पढ़ा होगा डीएनए पॉलीमरेज ए पोलिमरेज यहां पर क्या होते हैं एंजाइम्स यूज होते हैं इस प्रोसेस के लिए है ना जब हम डीनेचुरेशन या वगैरह करना होता तो लेकिन होता क्या कि बार बार हमें क्या करना होता था कि क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है नाइनटी टू नाइनटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाता था तो हर स्टेज में हमें नई डीएनए एन को क्या करना होता था एड करना होता था जो प्रॉब्लम को बाद में सॉर्ट आउट किया गया एक बैक्टीरियल डीएनए uh, के थ्रू जिसका नाम क्या बैक्टीरियल uh, एंजाइम्स के थ्रू जिसका नाम क्या है टैक पोलीमरेज आपने पढ़ा होगा तो ये भी स्टेप

एंजाइम जो है यानी कि जो बैक्टीरिया है थर्मोसाक्योटिक वो आते हैं तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है स्टूडेंट याद रखना है ठीक है तो यहाँ पे बहुत प्रोसेस दिखा रहा है कि टोटल थ्री स्टेजेस होते हैं जी डी नीचुरेशन एनिलिंग एंड एक्सटेंशन डी नेचुरेशन में दोनों हाइड्रोजन बोन को सेपरेट यानी स्ट्रैंड को, को सेपरेट किया जाता है एनलिंग में उसको क्या किया जाता है बेटा फिर से स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा दो नए सिक्वेंस देखने को मिलेंगे जिसको हम क्या कहते हैं एक्सटेंशन कहते हैं तो ये पॉइंट आपको याद रखना है एक बार इसको आपको रीड कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कोटेड विद डिजायर्ड स्मॉल पार्टिकल्स कोटेड विद डिजायर्ड इन इन द जीन ट्रांसफर इज कॉल्ड अच्छा हाँ यहां पर क्या कर रहा है बेटा की जीन ट्रांसफर एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं डिजायर जीन को किसी भी वैक्टर्स के अंदर में या किसी भी सेल के अंदर में क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं या तो हम कह सकते हैं किसी डीएनए में हमें अगर डिजायर जीन को इंसर्ट करना है जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होता है उसके लिए तो कौन से मेथड को यूज किया जाता है जिसमें पार्टिकल्स को कोटेड किया जाता है मतलब उसके ऊपर डीएनए के ऊपर एक कोटिंग की जाती है एक लेयर डेवलप की जाती है बेसिकली टंगस्टन और गोल्ड की मैं इतना हिंट कर रहा हूं आपको टंगस्टन और गोल्ड की क्या की जाती है स्टूडेंट तो एक कोटिंग

बायोलिस्टिक मेथड तो बायोलिस्टिक मेथड में आपको याद रखना है कि डीएनए के ऊपर एक कोटिंग की जाती है और किसकी कोटिंग की जाती है तो याद रखेंगे गोल्ड और टंगस्टन की की जाती है ना तो ये अलग अलग मेथड है जिसके बारे में यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या होते हैं बायोलिस्टिक्स में क्या होते हैं मीडिएटेड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोपोरनेशन क्या होते हैं तो इसको आपको एक बार क्या कर लेना है स्टूडेंट अच्छे से रीड कर लेना है ताकि यहां से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ईजिली क्या हो जाए सॉल्व हो जाए क्लियर चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग डिजीज अंडर कॉलम वन विद रिस्पेक्टिव कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अंडर कॉलम टू अच्छा कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करना है वन साइड हमें डिजीज मिलेंगे और सेकंड साइज में उनके क्या मिलेंगे साइड में उनके पॉजिटिव एजेंट मिलेंगे तो बताइए क्रीटूज अच्छा क्रिपूडल्ट जैकोब डिजीज टाइफस टाइफसिस एंड प्लेग अब बताइए बेटा क्या कैसे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन थ्री डबल फाइव का करेक्ट आंसर बताइए तो फ्रंट जैकोबीजूज ये आपके हम्म आपके प्रायंस हो जाएंगे है ना क्लियर बस सॉल्व हो गया और क्या है ना <laughs> क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी है ना ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यस गुड ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि जो आपका ये जैकोब डिसीज है वो प्रायंस के थ्रू हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में शायद इसको सॉल्व किया था टाइफस जो आपका है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा तो तोरिकटिसिया प्रोबाइजिकी के थ्रू सीफलिस आपको मालूम है कि ट्र, ट्रिपेनोमा पैलिडियम है और प्लैग आपका क्या है अरसिनिया पेस्टिस के थ्रू है तो ये भी क्वेश्चन आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे और इसको याद कर लेना है डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में भी इसको डिस्कस किए थे आज भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं ठीक है कि आपको एक ने कौन कॉज करता है यानी ब्लैक डेथ किसको कौन कॉज करता है कॉलरा डेंटल कैरिज डिस्थीरिया ये सारे डिजीज एंड देयर एंडिटिव एजेंट आपको एक बार रीड करके जीपेट एग्जामिनेशन में जाना है माइक्रोबायोलॉजी का भी यह पार्ट है और बायोटेक्नोलॉजी के भी पार्ट में इसको कवर किया गया है ठीक है चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज्ड इन द एलिसा एक्सेप्ट इनमें से कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो एलिजा टेस्ट में यूज होते हैं एक्सेप्ट देन किसी एक को छोड़ करके ठीक है यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीडेज ऑप्शन है अल्कलाइन फॉस्फेट है कोगुलेज है एंड बिटा ग्लेक्टोसाइडेज है फोर एंजाइम्स का एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट यहाँ पर एलिजा टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि इनमें से कौन से ऐसे एंजाइम है जो एलिजा में यूज नहीं होते हैं याद रखेंगे एक्सेप्शन पूछा जा रहा है यानी एलिजा में यूज नहीं होते हैं वहां से ये क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कौन से एंजाइम जो हैं वो एलिजा में यूज नहीं होते हैं एलिजा टेस्ट आपको मालूम है चाई एड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं ना अपन आगे पढ़ेंगे भी इसको ठीक है आपने पढ़ा होगा सॉरी है ना आप कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा तो कौन सा एंजाम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है कोगुलेज ऑबियस कोगुलेज एंजाम जो है वो क्लॉटिंग से रिलेटेड है आपने आ, हमने माइक्रोबायोलॉजी या तो बायो केमिस्ट्री में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे तो तो आपके से तो से रिलेटेड यही एक ऐसा एंजाइम है जो आपके एलिजा टेस्ट में यूज नहीं होंगे इसके अलावा सारे एंजाइम्स क्या होंगे स्टूडेंट यूजफुल होंगे तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंड बिटा ये तीनों एंजाइम एलिजा में यूज होते हैं स्टूडेंट एक्सेप्ट देन एक्सेप्टैनज

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन डीएनए रेप्लिकेशन द न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड इज ज्वाइंड टू ग्रोइंग डीएनए स्टैंड बाई एंजाइम बताइए इन डीएनए रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन प्रोसेस भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें क्या कहा जा रहा है न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड जो नया न्यूक्लियोटाइड है जिनको एड किया जाता है इज ज्वाइंट

तो विच वन ऑफ द एंजाम आर यूजिंग हेयर इट यूजिंग हेयर ऑप्शन बी ऑप्शन सी अरे डीएनए डीएनए लाइगेज यूज होगा क्या नहीं ना डीएनए पॉलीमरेज़ यूज होगा बेटा क्वेश्चन को समझे लाइगेज तो जोड़ता है लाइगेज दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एक डीएनए है और एक डिजायर जीन है या यान डीएनए है उस डीएनए को हमें इंसर्ट करना तो सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिकशनियर से कट करते हैं और उसके बाद डिजायर के फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं हम अपने डीएनए में एड ऑन करते हैं उसके लिए डीएनए लाइगेज इन जाइम रिस्पॉन्सिबल होता है तो लाइगेज जोड़ता है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है न्यूक्लियोटाइड को एड ऑन करने के लिए यानी कि दो स्टैंड आते हैं ना डीएनए डीएनएकेशन में तो इसमें न्यूक्लियोप्राइम आरएनए प्राइमर क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को ऐड ऑन करता है ना तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो क्वेश्चन से गलत नहीं करना है मोस्टली स्टूडेंट आर सेइंग दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट तो ये गलत हो जाएगा बेटा थोड़ा सा समझ लेना लाइगेज एंजाइम जो है वो लाइगेज का मतलब है जोड़ना चीजों को यहां पर रेप्लीकेशन की बात कर रहा है किसकी बात हो रही है रेप्लिकेशन और में आपने पढ़ा होगा ना कि जो होते हैं वो को है, किन और और करते हैं यानी और का करते हैं तो इतने इतने आसान सा क्वेश्चन अगर आप गलत करके आओगे में तो आपको बहुत दुख होगा है ना आपको बहुत ही ज्यादा दुख होगा कि कैसे होगा मतलब इतने आसान से क्वेश्चन ऐसे हालांकि ऐसे आसान क्वेश्चन बनते नहीं है बहुत जल्दी लेकिन अगर बन गए तो सबके सब सॉल्व सब करेंगे और आप फिर गलत करके आओगे है ना तो यहां पर याद रखेंगे डीएनए प्राइमर क्या करता है तो डीएनए पोलिमरेज को ऑन करता है जो आगे जाकर के क्या करता है नए नए बेस पेयर को एड ऑन करके न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करता है ठीक है डीएनए लाइगेज का, का काम तो क्या है कि जब हम आर डीएनए पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या तो डिजायर को या डिजायर डीएनए को हमें इंसर्ट करना होता है बनी बनाई डीएनए को अगर हमें इंसर्ट करनी होती है तब हम लाइगेज इनजाइम को यूज करते हैं डीएनए लाइगेज वहां पर यूज होता है ठीक है तो लाइगेज अलग है डीएनए पॉलीमरेज अलग है डीएनए पॉलीमरेज यहां पे चुकी रेप्लीकेशन से क्वेश्चन था तो डीएनए पॉलीमरेज करेक्ट आंसर होगा तो आई होप आप इसको एक बार रीड करेंगे रेप्लिकेशन पढ़ने की जरूरत है देखिए ना यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है ना डीएनए लाइगेज एड ऑन करेगा और डीएनए पोलिमरेज देखिए यहां पर क्या कह रहा है इस, इसको नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना ये येलो कलर से है वो क्या है आपका डीएनए डीएनएरेज एंजाइम है जो का करेगा, कौन से पर? तो ये जो डीएनए के ना तो एक नई स्ट्रैंड बनेगी तो उस पर कौन सा है तो डीएनए पोलिमरेज एंजाइम आपको याद रखना है ठीक है कर लोगे क्लियर हाँ ज्वाइन ही पूछा है ज्वाइन कर रहा है ना जैसे बेटा यार आ देखो ये ये हमारा स्टैंड है है ना अब इसपे ज्वाइन करेगा यहाँ पे आर एन ए प्राइमर क्या करते हैं एक एंजाइम को लेकर के आते हैं ना यही एंजाइम आगे जाकर के एक नया बेस नया डीएनए का फॉर्मेशन करेगा इस साइड से और इस साइड से ये एंजाइम लेकर के आ रहा है ये प्राइमर आरएनए प्राइमर किसको लेकर के आता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही है ना जी जो आगे जाकर के क्या करता है लीडिंग और लैगिंग स्टैंड का फॉर्मेशन करता है तो ये रनिंग स्टैंड ये वाला हुआ पहला स्टैंड इस पर आकर के क्या हो गया बाइंड कर गया इतना कन्फ्यूज क्यों हो रहे हो तुम लोग है ना इतना कंफ्यूज नहीं हो जाओ ठीक है यहां पर डीएनए से डीएनए बनाने में पोली ही आएगा ठीक है तो यहां पर याद याद अरे इतना कंफ्यूज नहीं होना लाइगेज समझो ना बेटा यार कि लाइगेज क्या करता है एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ता है यहां पर रेप्लीकेशन की बात हो रही है तो यहां पर आपको याद रखना है डीएनए पोली आप एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अलेबल्ड पीस ऑफ डीएनए दैट इज टू कॉम्प्लीमेंट्री टू एक मिनट कॉम्प्लीमेंट्री टू द दीक्वेंस ऑफ डीएनए यू आर इंटरेस्टेड इज से दैट जीन इज अ ट्राइंग टू पुट इन टू सेल इज कॉल्ड एज अब बताइए क्या करा अनलेबल्ड पीस ऑफ डीएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सिक्वेंस ऑफ डीएनए डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस है जीन यू आर ट्राइंग टू पुट इन टू सेल इस जीन को आप सेल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो वो क्या कहलाता है प्रोब कहला देगा या रिसेप्टर कहलाएगा एपीटोप कहलाएगा या टारगेट कहलाएगा यहां पर करेक्ट आंसर बताइए क्या कहलाएगा इस केस में इस केस में हाँ इस केस में मोस्टली सही आंसर आ रहे हैं है ना मोस्टली सही आंसर आ रहे हैं ऑप्शन ए ऑब्वियस क्या कहलाएगा स्टूडेंट प्रोब कहलाएगा तो प्रोब का मतलब ही क्या होता है और में एक अगर हमें सेलेक्ट करना है रिकोगनाइज uh, करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोब यूज करते हैं रिसेप्टर का मतलब आपको मालूम है इंपल्स को क्या करते हैं रिसीव करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं एक्शन इंड्यूस करके देते हैं

उसकी डिस्कवरी किसने किए थे फर्स्ट वैक्सीन शायद स्मॉल पॉक्स ही है ना वो भी अपन एक बार देख लेंगे है ना तो द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाई तो डेबरी पॉल एरलिश रॉबर्ट कॉच और एडवर्ड जेनर कौन थे भाई फर्स्ट वैक्सीन किसने इन्वेंशन किया था द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाई किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट वैक्सीन शायद स्मॉल पॉक्स ही होंगे ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है जी जेनर तो फर्स्ट डिस्कवरी किसने किए थे स्टूडेंट तो एडवर्ड जेनर और देखते हैं एडवर्ड जेनर क्या थे? हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फर्स्ट एवर वैक्सीन था दैट इज अ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इसके अलावा रोबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन uh, किया था एंटोन बोन लिवेन ने क्या किया था तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है लुइस पॉस्टर जोसेफ लिस्टर रॉबर्ट कोच इन सबके कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन उनके डिस्कवरी पॉइंट हमें यहां पर क्या करना है देखना है ठीक है बायोटेक से लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे बेटा ये मुझे अभी शायद uh, मेरे माइंड में है नहीं आई होप पता नहीं कितने क्वेश्चन आए होंगे एक दो क्वेश्चन से बेसिकली ये छोटे जो सब्जेक्ट होते वहां से तीन से पांच क्वेश्चन ही ऐसे ही समथिंग आते हैं बायोटेक बायो केमिस्ट्री माइक्रोबोलॉजी माइक्रोबायलॉजी तो तब भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बायो केमिट्री बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बायोटेक वगैरह से थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं ना तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1360 पे द रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी रिकॉम डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस से किस वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है थर्ड जनरेशन वैक्सीन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड नन ऑफ दीज कौन से वैक्सीन को डेवलप किया जाता है स्टूडेंट रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी से प्रोसेस से किस डीएनए को सॉरी uh, Uh, किस वैक्सीन को किस जनरेशन ऑफ वैक्सीन को यहां पर क्या किया जाता है तैयार किया जाता है क्या है आंसर करेक्ट आंसर सेकंड जनरेशन आ रहा है क्या ऑब्वियस ऑप्शन सी यहां पर क्या है करेक्ट आंसर है याद रखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सेकंड जनरेशन तो फर्स्ट जनरेशन याद रखेंगे डू नॉट कंटेन द होल ऑर्गेनिज्म इन स्टीड ऑफ इट कंटेन पार्ट ऑफ यहाँ पर पूरे ऑर्गेनिजम्स को नहीं कंसिडर किया जाता एक्चुअली क्या होता था फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली पूरे ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है बाद में उस पार्ट को ही यूज किया जाता है जो आगे जाकर के आपकी एंटीबॉडी के साथ फाइट करके क्या करें आपकी एंटीबॉडी को बुस्टअप करें तो अच्छा ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ पर मिलेगा जी तो जीपेट मंत्रा जो जीपेट मंत्रा बुक है जी की बहुत ही अच्छी बुक है और आई होप ऑलमोस्ट आप में से मैक्सिमम लोगों ने जीपेट मंत्रा को जरूर रीड किया होगा तो वो सारे क्वेश्चन विद बहुत ही स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ क्या किया गया है, जितने भी आप यहां पर देख है वो सबके सब क्या है तो आपके जीपैट मंत्रा से लिया गया तो जीपेट मंत्रा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप बुस्टअप करना चाहते हैं अपने को और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो मिला जुला करके कंसेप्ट देखो क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं कंसेप्ट तो रिपीट होंगे ना चैप्टर्स तो वही हैं सिलेबस तो वही है तो कंसेप्ट रिपीट होता है तो ऐसा नहीं सोचना कि सर क्वेश्चन थोड़े ना पिछले बार वाली रिपीट हो गया और मे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं आज दस साल पहले जो पूछे गए वो बाद में भी आते हैं लेकिन बहुत कम चांस रहता है लेकिन कंसेप्ट तो रिपीट होगा तो दैट्स बाई मैं प्रीफर करूंगा कि जीपेट मंत्रा आपके पास जरूर होना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर किसे कहा जाता हैनरी लुइस रॉबर्ट हुक गोटिलिप्स हेम्बरलैंड एंड यानी जी हेम्बरलैंड एंड गोथरेट व्हाइट एंड नोबिकॉर्ट किन को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर पी टी सी का फादर किसे कहा जाता है स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर क्या हो जाएगा जी हेम्बरलैंड है ना तो जी हेम्बरलैंड यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ऑब्वियस ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिनको क्या बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट कल्चर। तो मेनी बोटानिस्ट रिगार्डेड दिस वर्क एज द फॉरवर्ड द डिस्कवरी ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन एटीन थ्री आपको पब्लिश किया गया मतलब यहाँ पर दिया गया है कि हेम्बलॉन जो है उनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है ना इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इनविट्रो सेल कल्चर के बारे में लोगों को बताया था क्या किया था तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनविट्रो सेल कल्चर यानी कि लेबोरेटरीज के अंदर में सेल कल्चर कैसे किया जाए प्लांट को कैसे कल्चर किया जाए ग्रोथ कैसे कराया जाए उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे हेम्बरलैंड इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बेसिक प्रोसीजर इन प्लांट टिश्यू कल्चर अब बताइए प्लांट टिश्यू कल्चर का बेसिक प्रोसीजर पहले क्या होगा जी ऑप्शन है ट्रीमिंग सर्फेसेशन स्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर एंड एक्सप्लांट तो क्या होगा यहां पर एक सीक्वेंस है जो आपको मेंटेन uh, करना मतलब सीक्वेंस आपको बताना है प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे पहले क्या होगा तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं एबीसीडी करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से मैच करके क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन डी होंगे क्या सबसे पहले क्या लेते हैं एक्स प्लांट लेते हैं है ना एक्स प्लांट को दिन हम क्या करते हैं ट्रिमिंग करते हैं क्या ट्रिमिंग के बाद सरफेस स्टेलाइजेशन देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर ऑब्वियस ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले तो यहां पे प्रोसेस दी गई है कि सबसे पहले हम एक्स प्लांट को लिए उसको ट्रिमिंग किए देन देन सरफेस हुआ फिर हमने उसको क्या किया किया वाटर से ऑफ कल्चर देन इंक्यूबेशन यानी टाइम हम देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं सब कल्चर करते हैं यही हमारा क्या है बेटा तो प्लांट टिश्यू कल्चर का स्टेप है जो आपको क्या करना है याद रखना है ठीक है तो ये स्टेप आपको क्या करना है ध्यान रखना कर लोगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैच द फॉलोइंग टिश्यू कल्चर मीडियम विद यर कैरेक्टरिस्टिक अब यहां पर बहुत सारे टिश्यू कल्चर मीडियम दिए गए हैं जिसको हमें क्या करना है मैच करना है वाइट मीडियम एम एस मीडियम बी फाइव मीडियम और निश मीडियम बताइए ये किसको किसके साथ मैच किया जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिक्सटी थ्री जो है वन थ्री सिक्स थ्री इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक करेक्ट सॉरी आंसर आप बताइए स्टूडेंट ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके सामने व्हाइट मीडियम मीन क्या होता है स्टूडेंट तो वाइट मीडियम मींस बताइए आंसर क्या होगा थर्टीन सिक्सटी थ्री का करेक्ट आंसर चलो बातें आप लोग क्यों करते हो यहां पे आंसर दो ना आप दूसरों को मत देखो कौन क्या कर रहा है किसको नींद आ रही है किसको नींद नहीं, नहीं आ रही किस कौन परेशान कर रहा है आप तो क्वेश्चन पे फोकस ड्रॉ हो ना आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर फोकस हो जाओ है ना क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होंगे क्या अरे व्हाइट मीडियम क्या चीज के लिए होता है रूट कल्चर को बोला जाता है क्या रूट कल्चर के लिए व्हाइट मीडियम होता है तो पी का सी है ना अब बताओ एम एस मीडियम कौन सा हो जाएगा एमएस मीडियम जो है इंड्यूस ऑर्गेनोजेनेसिस ना ऑर्गेनोजेनेसिस को इंड्यूस करेगा क्या अरे ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होंगे ऑप्शंस बी यहां पे करेक्ट होगा भाई क्या है तो व्हाइट मीडियम जो है वो आपको रूट कल्चर के लिए होता है एमएस मीडियम इंड्यूस ऑर्गेनोजेनेसिस है ना बी5 मीडियम जो है वो सेल सस्पेंशन एंड कैलस कल्चर के लिए होता है मिस मीडियम जो होता है वो एंथर कल्चर के लिए होता है तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होंगे एक लाइन से डी लगा रखे हैं एक लाइन से डी उसके बाद सी है ना ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होंगे एक बार इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा मेजर टाइप ऑफ मीडिया आपको याद रखना है प्लांटेशन प्लांट कल्चर में व्हाइट मीडियम दिस इज वन ऑफ द अर्लिएस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया डेवलप फॉर द रूट कल्चर व्हाइट मीडियम क्या चीज के लिए स्टूडेंट रूट कल्चर के लिए है याद रखेंगे इसको पढ़ने की जरूरत है आप सभी को है ना एमएस मीडियम क्या चीज के लिए हो गया तो आपको याद रखना है ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए है जो एमएस मीडियम है ऑर्गेन की जेनेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है B5 मीडियम सेल सस्पेंशन एंड कैलस कल्चर के लिए है, N6 मीडियम एंथर कल्चर के लिए होता है निस मीडियम जो है यहाँ पर एंथर कल्चर के लिए तो एंथर कल्चर के लिए दो मीडियम है एक N6 मीडियम और एक निस मीडियम ठीक है तो ये ये आपको ध्यान रखना है एक बार इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ये ये मीडिया एक बार आपको पढ़ करके जाना है ठीक है मीडिया आपको एक बार क्या करके जाना है रीड करके जाना है क्वेश्चन में इसको कर लोगे सभी लोग तो याद रखेंगे व्हाइट मीडियम रूट कल्चर के लिए समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कोई बात नहीं गलत हो गया आगे अपन बढ़ते हैं ना चीजों को अपन सॉल्व करते हैं और अच्छे से ठीक है यही इसीलिए तो अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि कुछ भी मिस्टेक्स और कुछ नए कॉन्सेप्ट हो जो ऑन करने हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं अपने नोटबुक में या माइंड में आप ऑन कर सकते हैं ताकि वहां पर अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाए तो वो हमसे सॉल्व हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 पे गिवन बिलो आर द थ्री स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलस कैलस फॉर्मेशन से रिलेटेड तीन कर, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कैलस यानी प्लांट टिश्यू कल्चर की ही बात हो रही है स्टेटमेंट वन है कैलस इज एन एक्साइज पीस ऑफ डिफ्रेंसिएटेड टिश्यू और ऑर्गन फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट है अ कैलस इज नेचुरली डेवलप्ड ऑन अ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ अ अवंड ये सेकंड है स्टेटमेंट थर्ड क्या है कैलस इज अनस्पेशलाइज्ड अनऑर्गेनाइजड ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग मास ऑफ द सेल तो तीन स्टेटमेंट दिया गया है अब बताइए इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे क्या तीनों स्टेटमेंट सही है या तीनों स्टेटमेंट गलत है या कुछ स्टेटमेंट सही है कुछ स्टेटमेंट गलत है कौन सही है कौन गलत है अब आपको यहाँ पर से आंसर सेलेक्ट करके बताना है कैलस कैलस यानी प्लांट टिश्यू प्लांटिशुकल्चर मैकानिजम आपने कैलस के बारे में पढ़ा होगा कैलस के फीचर्स आपने पढ़े होंगे उनका प्रॉपर्टीज डिस्कस किए होंगे उसी से ये मिलता जुलता क्वेश्चन है स्टूडेंट तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ए डी और ए भी लग गया डी भी लग गया सी भी आ गया सी डी डी ए मैराथन सीरीज को तो मैराथन सीरीज क्यों परचेज करोगे एक्सप्लेनेशन को यूट्यूब पर देख लो ना पूरी मैराथन तो है यूट्यूब पे अवेलेबल तो वहां से क्यों परचेस करोगे है ना परचेज करने के लिए हमारा जीडीसी उड़ान है ना शायद है ना क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर स्टेटमेंट वन शायद इन करेक्ट है ना सेकंड और थर्ड करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहां पर है ना स्टेटमेंट वन कैला से जाना एक साइड पीछ नहीं यहां पर याद रखना कैलास इज नेली डेवलप ऑन अ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ अ वेटमेंट वन इन करेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड यहां पर क्या है स्टूडेंट करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा देख लेना कैलस के बारे में इट इज एन अनस्पेश अनऑर्गेनाइज ग्रोइंग एंड अन डिवाइडिंग मास ऑफ सेल है याद रखेंगे पॉइंट को इट इज द एक्स प्लांट आर कल्चर ऑन द अप्रोप्रिएट सॉलिड मीडियम विद बोध एन ऑक्जी एंड साइटोकाइनिन ऑक्सीजी और साइटोकाइनिन साइटो ये दो ग्रोथ हार्मोन्स है आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में पढ़ा होगा कि टोटल फोर हार्मोन्स होते हैं जिसको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं जिसमें तीन जो होते हैं वो क्या होते हैं ग्रोथ प्रमोटर होते हैं ऑक्सिन जीवलिन और, और साइटोकाइनिन अब एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर और इथाइलिन ऑक्साइड के पास क्या होती है दोनों फीचर्स होती है तो ऑक्सिन और, और साइटोकाइनिन बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये एक बार पॉइंट आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा रिलेटेड के पॉइंट क्या यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 65 नंबर क्वेश्चंस पे गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है लेवल एडर्सन असरसन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कर रहा है समटाइम्स लो कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन और केनामाइसिन आर यूज इन द प्लांट टिश्यू कल्चर स्टिप्टोमाइसिन और केनामाइसिन दो एंटीबायोटिक्स हैं आपने पढ़ा होगा एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स हैं स्टिप्टोमाइसिन और एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है स्ट्रिप्टोमाइसिन है ग्राइसियस ये जिनसे हम इनको क्या करते हैं ऑबटेन करते हैं ठीक है तो याद रखेंगे तो ये दोनों क्या प्लांट कल्चर में यूज होते हैं ये पहला स्टेटमेंट है सेकंड है सप्लीमेंटेशन ऑफ द मीडियम विद एक्टिवेटेड चारकोल स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सर्टन प्लांट सेल कह रहा है कि कुछ प्लांट सेल के डिफ्रेंसिएशन के लिए डिफ्रेंसिएशन का मतलब समझते हो ना डिफ्रेंसिएशन का मतलब यहां पर होता है मैच्योरिटी लाना है हाँ ना यानी कि जो यंग प्लांट है जब वो मैच्योर होते हैं तो उसी के लिए प्लांट में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि प्लांट के अंदर में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की प्रॉपर्टीज आ गई है उसी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं डिफ्रेंसिएशन वर्ड यूज करते हैं आपने पढ़ा होगा एनाटमी वगैरह केस में है ना जब एनाटमी ऑफ फ्लारिंग प्लांट आपने पढ़ा होगा क्लास इलेवंथ में चैप्टर नंबर सिक्स में तो वहां पर आपने इन चीजों को क्या किया होगा डिस्कस किया होगा ठीक है तो यहां पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बताइए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्या आर सही रीजन है क्या सही आंसर होगा इसका आंसर बताइए आप लोग है ना ऑप्शन नंबर बी देखो ये तो सही स्टिप्टोमाइसिन केनामाइसिन भी यूज होते हैं और एक्टिवेटेड चारकोल भी डिफ्रेंसिएशन मैकनिजम्स के लिए यूज होते हैं तो आंसर यहां पर क्या होगा जी तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन जो है असर्सन का करेक्ट नहीं है यानी कि जो रीजन जो एक्सप्लेनेशन है वो असर्सन के लिए नहीं बना दोनों स्टेटमेंट तो सही है चार गोल भी यूज किए जाते हैं डिफ्रेंसिएशन मैकानिजम्स के लिए कुछ प्लांट के केस में और बाकी स्टेप्टोमाइसिन और केनामाइसिन दो अमिनोग्लाइकोसाइड भी हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ वहां पर ना हो तो ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट होंगे यहां पर दिया गया है कि एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया जाता है सप्लीमेंटेशन ऑफ द मीडियम विद एक्टिवेटेड चारकोल स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सर्टेन प्लांट सेल लाइक कैरट टोमैटो ऑर्किड इन सब के लिए एंटीबायोटिक्स में आपको याद रखना है कि वही माइक्रो ऑर्गेजम के लिए कंसेंट्रेशन को स्टिप्टोमाइसिन केनामाइसिन केना ये सब क्या होता है यूज होते हैं तो एक बार इसको आप क्या कर लोगे रीड कर लोगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट इजिली वहां पर सॉल्व हो जाएगा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसजेनेसिस ट्रांसजेनेसिस से रिलेटेड यहाँ पर कंसेप्ट अब आ गया जी है ना ट्रांसजेनेसिस समझते हो ना जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स या तो प्लांट या जो भी ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन किया जाता है है ना मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं बेसिकली तो उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही है तो ऑप्शन uh, क्या है ऑप्शन ए है द फिनोमिना ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोजीनस डीएनएस बाहर से जो हम डीएनए लेते हैं इनटू द जीनोम टू क्रिएट अ मेंटेन अ स्टेबल हेरिटेबल कैरेक्टर ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन भी क्या करा था प्रोसेस यूज क्रिएट एन एग्जैक्ट जेनेटिक ऑफ द अनदर सेल टिश्यू और ऑर्गेनिज्म रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए नहीं डीएनए का एम्पलीफिकेशन भी नहीं होता इसके थ्रू ट्रांसजेनेसिस के थ्रू फ्रैगमेंट्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम एनिमल और प्लांट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इन विच दे कैन बताइए क्या होंगे यहाँ पर correct answer आपके केवल है है ना क्या क्या करते में क्या करते है? Maintain करते हैं? हैं? हैं में ताकि हेरिटेबल स्टेबिलिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो उसे हम क्या करते हैं ट्रांसजेनिस ऑप्शन क्या है स्टूडेंट करेक्ट है किससे रिलेटेड ट्रांसजेनेसिस से रिलेटेड है तो ट्रांसजेनेसिस मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हम फॉर्मेशन करते हैं उसमें आता है तो यही है ट्रांसजेनेसिसोमिना ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोजीनस डी एन एन टू दिनोम टू क्रिएट अ मेंटेन और स्टेबल हेरिटेबल कैरेक्टर्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हम तैयार करते हैं वो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स कैटेगरीज के अंदर में एंटर होते हैं यानी कि आते हैं ठीक है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग साइनोबियल अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो आपको मैच करना है फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से थे जी इंट्रोडक्शन फर्स्ट मैमेल क्लोन एंड एनिमल बायो रिएक्टर्स ये चार है अब इनको आपको क्या करना है मैच करके जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है स्टूडेंट कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है चले तो क्या होगा करेक्ट आंसर 1367 पे हम लोग आते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है ना ऑप्शन डी इज करेक्ट फर्स्ट एनिमल्स हमारा माउस ही था है ना यानी सुपर माउस जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन कहां पर किया जा गया था तो इम्ब्रियोनिक सेल स्टेम सेल फर्स्ट क्लोन आपका शीप था और एनिमल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर होंगे बिल्कुल आप लोगों ने जो आंसर लगाया है बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक बार आप इसको देख लेंगे है ना कि कौन कौन से मेथड को यूज किया गया था कौन कौन से रेक्ट्रोवाइल मेथड माइक्रो इंजेक्शन मेथड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड इन सब के बारे में आपको पढ़ना है एनिमल बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं डॉली द ट्रांसजेनिक लोन क्या होते हैं इन सब के बारे में एक बार आपको क्या करना है बहुत अच्छे से रीड कर लेना है ताकि इससे क्वेश्चन अगर आपके आए तो वो क्या हो जाए स्टूडेंट सॉल्व हो जाए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाते हैं बस पर से आपको हो जाएगा। उस मैकनिजम्स को उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऑप्शन है जीनो ट्रांसप्लांटेशन जीनो का मतलब होता है टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या होना क्रॉसिंग होना दैट इज अर्ड यूज किए जाते हैं जैसे कि आपने पॉलिनीशिय में भी पढ़ा होगा है ना जीनो गेमी मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो स्पीसीज के बीच में जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो उसमें जीनोग्राफी भी आ जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब समझ में आएगा टू डिफरेंट के स्पीसीज के बीच में तो ये तो होना नहीं है ट्रांसजेनेसिस होना नहीं है मोटा होना नहीं है क्या हो जाएगा बेटा क्लोनिंग है ना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोनिंग हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन नंबर डी आप ले जो लगा रहे हो स्टूडेंट बिल्कुल सही है आइडेंटिकल जो कॉपीज होते हैं जेनेटिकली वो क्या कहलाते हैं क्लोन्स कहलाते हैं क्या होते हैं पेरेंट्स के जो आइडेंटिकल होते हैं वो इनको क्या कहा जाता है क्लोन्स कहा जाता है इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे क्लोनिंग कहेंगे ठीक है तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर ये दिया गया है कि जनरेटिंग अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग ठीक है कर लोगे इनके कुछ पॉइंट हैं जो देख लेना आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द प्रोपगेशन ऑफ कल्चर आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर इज टर्म क्या स्टूडेंट द प्रोपगेशन ऑफ कल्चर आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर उसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट कल्चर के बाद जो होता है सेकेंडरी कल्चर प्राइमरी कल्चर सेल लाइन ऑफ द एव क्या होगा 1369 का क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर बताइए स्टूडेंट क्या होगा द प्रोपोगेशन ऑफ कल्चर आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर इज टर्म्ड एज उसे क्या कहा जाएगा सेकेंडरी कल्चर प्राइमरी कल्चर सेल लाइन एंड नन ऑफ द एवब क्या कहा जाएगा स्टूडेंट उसे क्लियर हो गया क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होंगे सेल लाइन कहा जाएगा बस सेकेंडरी आप लोगों ने लगाना शुरू कर दिया कि फर्स्ट के, के बाद सेकेंडरी है ठीक है उसमें क्या कहते हैं सेल लाइन कहते हैं द प्रोपगेशन ऑफ कल्चर आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर इज टर्म एज सेल लाइन ठीक है तो एक बार इसको रीड कर लेना सेल लाइन मतलब होता है प्रोपोगेशन ऑफ कल्चर आफ्टर द फर्स्ट सब कल्चर इसी को हम क्या कहते हैं सेल लाइन कहते हैं इन अदर वर्ड वंस द प्राइमरी कल्चर इज सब कल्चर इट बिकम्स अ सेल लाइन जब प्राइमरी कल्चर सब कल्चर हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं सेल लाइन कहते हैं ठीक है तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा आप लोग सेल लाइन के बारे में कुछ चीजें नई मिल रही है जो आई होप आपको इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग भी होगी आपके लिए क्वेश्चन जीपैड के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन इन कंपोजिशन ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर क्या कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन इन द कंपोजिशन ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर एनिमल टिश्यू कल्चर में सॉल्ट सोल्यूशन के लिए सप्लाई सप्लाईन ऑर्गेनिक आयन प्रोवाइड द पी एच सप्लाई एनर्जी फॉर फ्रॉम ग्लूकोज एंड ऑल ऑफ द एव क्या होगा यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन सॉरी आंसर क्या होगा करेक्ट है ना थर्टीन सेवेंटी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए तो एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस इनऑर्गेनिक आयंस चाहिए क्या हाँ जी चाहिए पीएच आपको चाहिए क्या हाँ जी एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में एनिमल टिश्यू कल्चर में चाहिए क्या तो हाँ जी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल आर रिक्वायर्ड है ना सब, के सब क्या होंगे स्टूडेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाएंगे तो थर्टीन का आई होप आपको समझ में आ गया कि आंसर सही कैसे है एक बार इसको पढ़ लेना था भाई है सप्लाई ऑर्गेनिक आयन प्रोवाइड पी एच में डिजायर ऑफ सप्लाई एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज ये आपको बैलेंस सोल्ट सॉल्यूशन चाहिए वेन एवर यू यू विल भी डूइंग एनिमल टिश्यू कल्चर है ना जब भी आप इसको कर रहे हो तो उस केस में आपको ये सारी चीजें यू आर डूंग एनिमल टिश्यू कल्चर तो वो आपको ये सारी चीजें चाहिए उस केस में है ना चलिए एक बार इसको पढ़ लेंगे इन सारी चीजों को जो यहाँ पर दिया गया है एक बार इसको रीड जरूर कर लेंगे आप लोग कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एनजाइम विद यूज अब यहाँ पर कुछ एंजाइम्स है उनके यूजेस हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज डीएनए लाइगेज डीएनए पॉलीमरेज एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ही बहुत ही आसान एंजाइम है और आई होप आप आप में से सभी का ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए बनना चाहिए बताइए अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा डीएनए लाइगेज डीएनए पॉलीमरेज और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनका काम क्या है जी इनके फंक्शन बाइज जिनको क्या करना है आपको ऑन करना है तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए है ना और ऑलमोस्ट सभी के सभी फाइव ट्वेंटी नाइन स्टूडेंट अभी लाइव है सभी के सभी इसका एक्सप्लेनेशन मतलब आंसर इसका दीजिए स्टूडेंट है ना क्लियर हो गया क्या हो जाएगा जी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ना? बी होगा क्या हाँ तो देखो क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर ध्यान रखिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या कहता है तो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है डीएनए लाइगेज क्या कहता है ज्वाइन डीएनए मॉलिक्यूल्स डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कौन कहता है डीएनए लाइगेज आप परेशान हो रहे थे डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है तो synthesized DNA complementary to a DNA template. यानि कि जो भी एक running DNA का है, उसके ऊपर दूसरे दूसरे का formation. का formation कौन कर रहा है DNA जब DNA क्या करता है, जबकि क्या तो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है मैंने आपको उस समय भी क्लियर किया था तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. और बाकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेगा कट करेगा तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर होगा है ना तो यहाँ पर दिया गया है कि अल्कलाइन फॉस्पिटीज क्या करते हैं लाइगेज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनएस एक्जोनिक्लियस थ्री इन सब का फंक्शन दिया गया है जो आपको एक बार क्या करना है रीड कर लेना है इसको एक बार पढ़ लेना है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और भी कुछ एंजाइम्स है इसको भी देख लेना है इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, है ना एक बार इसको रीड कर लेना स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो और इसको एक बार रीड कर लेना तो आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे इवन कंसेप्ट में भी ये एंजाइम्स क्या करेंगे हेल्प करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएटेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बताइए बताइए हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ा था क्लास ट्वेल्थ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल वहां से भी ये क्वेश्चन था बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने ट्वेल्थ एनसीआर टी बायोटेक्नोलॉजी भी अगर आपने करके चलेगा तो मैं भी वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा था ना कि नाइनटीन में क्या थे <laughs> तो कोलाई के ऊपर बोयर एंड कोहिन ऑप्शन नंबर बी है ना ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा

चले तो इसको एक बार देख लेंगे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी तो मालूम है ना कि हम क्या करते हैं डिजायर डीएनए को क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन द रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अब बताइए प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है बैक्टीरियल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो रेजिस्टेंस फैक्टर के लिए या अदर एक्टिविटीज के लिए क्या होते हैं पाए जाते हैं तो वो प्लाज्मिड जो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में है ना आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सॉरी है ना आर डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज कहां पर है प्लाज्मिड का तो प्लाज्मिड यहां पर एज अ क्या यूज होता है स्टूडेंट सही से बताइए क्या होगा यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हाँ एज अ वेक्टर क्या होते हैं यूज होते हैं ठीक है एज अ वेक्टर यहां पर डीएनए एन को यूज किया जाता है और उस वेक्टर को फिर हम क्या करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवन बैक्टीरिया के अंदर ही क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं तो बैक्टीरिया वहां पर क्या हो जाता है एज अ होस्ट होता है, है ना तो यहां पर आपने पढ़ा होगा ना कि डिजायर डीएनए और मेन डीएनए को कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडो निक्लियर से फिर हम लाइगेज से एड ऑन करते हैं उसको प्लाज्मिड में यानी कि वैक्टर में इंसर्ट करते हैं वैक्टर्स को फिर हम क्या करते हैं बैक्टीरियल बॉडी में इंसर्ट करते हैं होस्ट में और उसके बाद उसके मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं यही तो क्या है आर डीएनए टेक्नोलॉजी है यही आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर एज अ वक्टर यूज होते हैं तो याद याद रखेंगे कि वैक्टर क्लोनिंग वेहिकल्स है जो क्लोनिंग में हेल्प करता है तो वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल आर कैरी अ फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट टू द द्लोन तो ये एक बार पॉइंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेना है ना कर लोगे चलिए अब याद रखेंगे कि वेक्टर के पास क्या क्या होनी चाहिए तो ऑरि साइट होनी चाहिए आपने पढ़ा होना पढ़ा होगा ना कि शुड वैक्टर्स ओरिइट यानी ओरिजिन ऑफ साइट यानी जहां पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए रिस्ट्रिक्शन साइट जहां से उसको कट लगाया जा सके जहां पर डिजायर डी एन को हम एड कर सके तो ये वैक्टर्स के पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ओर साइट होनी चाहिए जहां ओरिजिन जिसको हम कहते हैं और एक क्या होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए अब एक वैक्टर्स के अंदर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं आपने पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू पढ़ा होगा सबसे ज्यादा उसमें टोटल एट रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं और दो वहां पर क्या होते हैं सिलेक्टिवल मार्कर्स होते हैं मार्कर्स हमें क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं कि जो आपने यूज किया है वो लिटरली सही है या नहीं है तो सिलेक्टेबल मार्कर थ्री ट्वेंटी टू में क्या होते यूज होते हैं एमपी सिली यूज होते हैं और क्या यूज होते है? यूज होते हैं टेट्रासाइक्लिन यूज़ हैं तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है थोड़ा सा वैक्टर से रिलेटेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है बेटा इन करेक्ट फोकस करना करेक्ट नहीं है इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है रिगार्डिंग ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजो से रिलेटेड ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम से रिलेटेड इन करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन वन क्या है इट इज सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड वैक्टर डीएनए वेक्टर डीएनए सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है ये तो ऑप्शन आई होप सही लग रहा है ये इनकरेक्ट पूछ रहा है लेकिन ये ये स्टेटमेंट सही है इनकरेक्ट नहीं है पोजिसिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन क्रमोजोम ऑब्वियस ह्यूमन क्रोमोजोम आप आर्टिफिशियल भी बना रहे हो तो क्या मतलब है ह्यूमन क्रोमोजोम जैसी ही फीचर होनी चाहिए ना ऐसा नहीं कि भाई हम ह्यूमन क्रोमोजोम बना रहे हैं और उसके अंदर में हॉर्स का आ गया या डॉग का आ गया प्रॉपर्टीज तो ऐसा तो हम चाहेंगे नहीं तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए तो ये भी आई होप सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट क्या Correct है करेक्ट है

दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट था साइंटिस्ट वाले पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि साइंटिस्ट कौन से आए थे तो इंट्रोड्यूस इन एटी सेवन बाई एम ऑल्स ये इन करेक्ट है बाई मिस्टेक हमने नन ऑफ द एव लगा दिया मुझे लगा ये साइंटिस्ट भी होंगे इसी से रिलेटेड ये साइंटिस्ट इससे रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड तो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो ऑप्शन सी है, है ना बाई मिस्टेक मेरे से डी हो गया है ऑप्शन सी आपको सही लगाना है तो ह्यूमन आर्टिफिशियल में आपको याद रखना है कि डेवलप किया गया था 90197 में है ना ये वाला स्टेटमेंट हमसे गलत हो गया है ना एच बिलार्ड ने इनको क्या-क्या था इंट्रोड्यूस किया था ना कि एम ऑलसन ने किया था तो ऑप्शन सी है ना ऑप्शन सी हो जाएगा क्लियर यहां पे करेक्ट आंसर वो साइंटिस्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था मेरे लिए चलो कर लोगे इसको एक बार रीड कर लेना है ना नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं मैथ द फॉलोइंग रिसर्चर विदर डिस्कवरीज अब कुछ साइंटिस्ट है इसको एक बार देख लो अपने अकॉर्डिंग है ना और उनके डिस्कवरीज की कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कार्ल एर्की जॉन फ्रेडरिस मार्शल निरनबर्ग यूट बाई कैन क्या किए थे भाई निरनबर्ग ने तो जेनेटिक कोड किए थे है ना ये तो क्लियर है निरनबर्ग ने जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से मतलब आप लोगों ने भी पढ़ा था है ना? तो जेनेटिक कोड के किसने बताया था निन वर्ग ने सिक्सटी फोर जेनेटिक कोड होते हैं ऐसा करके आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना तो ये तो सही है आर का ए तो सही है बस मिल गया आंसर है ना <laughs> क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी देखो एक ही मुझे तो एक ही यहां पर अभी फिलहाल ध्यान था है ना तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्या जी है ना यहां पर क्या होंगे ऑप्शन डी आई होप करेक्ट हो जाएंगे है ना चलिए तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट यानी कि कार्ल एर ने क्या किए थे तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म्स के बारे में बताए थे जॉन फ्रेडरिस डीएनए के बारे में मार्सिल निरनबर्ग ये तो बिल्कुल क्लियर था जेनेटिक कोड के बारे में और क्या किए थे सिकल सेल एनीमिया तो समटाइम्स ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन अगर हो तो क्लियर है क्लियर अरे तो साइंटिस्ट वाले पॉइंट में ऐसा जरूरी है कि मैं कंफ्यूज ना है <laughs> हो जाती है, ना ऐसी, वाले है? अब देख लेना, एक बार, बार रीड कर लेना साइंटिस्ट से रिलेटेड है ठीक है ताकि आप कंफ्यूज ना हो उस चीज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैगज एंड बताइए अभी हम लोगों ने शायद फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ही आज यही सॉल्व किए थे है ना तो मैक्सिम एंड गिलबर्ट इज मेथड ऑफ आरएनए सीक्वेंसिंग प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए सीक्वेंसिंग ऑल ऑफ द अबव फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का था वो इन्हीं से रिलेटेड तो था एक सैंगर का था और एक मैक्सिम गिलबर्ट का था यही था ना तो ये तो सही है अरे मैं पढ़ा लूंगा तुम टेंशन मत लो कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को है ना चले तो मैक्सिम एंड गिलबर्ट इज मेथड ऑफ क्या होगा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोगों ने सॉल्व किया था डीएनए सिक्वेंसिंग हो जाएगा है ना डीएनए सिक्वेंसिंग के लिए ये यूज हो रहा था क्या एक सैंगर थे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज किए थे और ये मैगजम एंड गिलवर्ड थे ठीक है तो कर लोगे डीएनए सिक्वेंसिंग ऑप्शन सी ये तो सबसे सॉल्व हो जाएगा कम टू द यही इनके बारे में दिया गया है कि मैगजिम गिल्वेंसिंग इज अ मेथड ऑफ डीएनए एन ए बाय डेलपाई इनके साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है एक बार आप इसको क्या करना देख लेना ऑलरेडी हम लोग बायो केमिस्ट्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज फर्स्ट क्वेश्चन ही इन्हीं से रिलेटेड था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गिवन बिलो आर थ्री स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोलीमरेज चैन रिएक्शन पीसीआर से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दिया गया है स्टूडेंट अब तीनों स्टेटमेंट को केयरफुली आपको क्या करना है रीड करना है फर्स्ट स्टेटमेंट है पीसीआर यानी पोलिमरेज चैन रिएक्शन इज टेक्निक फॉर जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफिस स्पेसिफाइड डीएनए ठीक है ये पहला स्टेटमेंट है सेकेंड है इट इज डेवलप्ड इन नाइनटीन बाय द कैरी दैरिमूलिस ऑप्शन डी ऑप्शन थर्ड इज अ स्टेटमेंट सॉरी एन ए पोलिमरेज रिक्वायर दैट कैन बी विद स्टैंड एट द टेंपरेचर अप टू 95 डिग्री सेल्सियस डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर बताइए यहां पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट 1377 का आई होप ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है ना यहां सबके सब स्टेटमेंट सब करेक्ट है पीसीआर में एक डीएनए से हम हमार्ज क्वांटिटी का फॉर्मेशन करते हैं 1984 में में कैरी ने इसके बारे बताया था था डेवलप किया इस टेक्नोलॉजी को और डीएनए पोलिमरेज रिक्वायर होता है डिग्री सेल्सियस के लिए बार बार इसकी रिक्वायरमेंट होती है मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाद में इसको टैक पोलीमरेज यूज किया गया यानी कि थर्मस एक्वेटिकस एक, एक बैक्टीरिया है जिससे हम पोलिमरेज ऑबटेन किए जो बाद में हम नाइन्टी टू नाइनटी एट डिग्री टेम्परेचर जो यूज करते हैं डी प्रोसेस के लिए तीन प्रोसेस होता है पीसीआर में डीनेचुरेशन एनिलिंग और एक्सटेंशन तो पहले डीएनए पोलिमरेज यूज होता था जो बाद में टैक पोलमेज में कन्वर्ट हो गया ठीक है तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है यहां पर याद रखेंगे पॉइंट द पोलिमेज रिएक्शन इज लेबोरेटरी इन विट्रो है यानी कि लैब के अंदर में होता है टेक्निक फॉर जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड डीएनए हम लार्ज क्वांटिटी यानी मान के चलो कहीं क्रा, क्राइम वगैरह पर से हमें कुछ फोरेंसिक साइंस वाले जो आते हैं वो क्राइम से कोई स्पॉट मिलता है ब्लड वगैरह का तो उससे क्या करते हैं डीएनए को क्या करते हैं लार्ज क्वांटिटी में चेंज करते हैं मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं कैरी मोलिक्स को क्या किए थे यूज किए थे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर क्या

चलो क्या हो जाएगा मैच द फॉलोइंग प्रोटीन विद रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा तो erythropoietin क्या बनाता है प्रोक्रीट है क्या ये तो क्लियर हो गया आपको टिश्यू प्लाजमिनोजेन फैक्टर प्लेज आपने पढ़ा होगा टीपीए में ठीक है तो पी का बी हो जाएगा क्यू का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बस क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया अब आर एंट्राफेन बताइए क्या है जी एंट्रफेन ए एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है प्रोट्रोपिन तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व तो ऑप्शन भी अब यहां पर दिया गया है इंसुलिन उसके रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट उनकी कंपनी उनके इंडिकेशंस ये सारे पॉइंट दिए गए हैं जो आपको क्या करने हैं याद रखने हैं एक बार इसको रीड करके जाना है एग्जामिनेशन टाइम में ठीक है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग डिजीज विद विथ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अब यहां पर डिजीज है और उनके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी कॉजेटिव एजेंट के बारे में मैचिंग आपसे पूछा जा रहा है बताइए चिकन पॉक्स कौन कॉज करेगा जेनाइटल अल्सर कौन कॉज करेंगे हेमराजिक फीवर कौन कॉज करेगा और लिवर डैमेज कौन कॉज करेंगे है ना बताइए बेटा यहां पर सेवेंटी नाइन का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैच द फॉलोइंग डिजीज विद दियर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा जी यहां पर करेक्ट आंसर तो चिकन पॉक्स ध्यान है ना हरपीज सिंप्लेक्स वायरस हो जाएगा क्या हम्म हम्म वर्सेला जोस्टर वायरस हो जाएगा ना तो P का C हो जाएगा बेटा आपको ध्यान है है ना Q का भी जेनाइटल अल्सर्स क्लियर है हरप सिम्प्लेक्स वायरस टू हेमरजिक फीवर डेंगू हो जाएगा हाँ हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा है ना ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होंगे करेक्ट आंसर होंगे आई होप आप लोगों ने भी क्या कर लिया होगा सॉल्व कर लिया होगा एक बार देख लीजिए चिकन पॉस वर्सिला जोस्टर वायरस जेनाटल हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस टाइप टू हेमरजिक फीवर डेंगू वायरस और लिवर डैमेज हेपेटाइटिस ए वायरस करता है हेपेटाइटिस तो ऐसे भी आपको पता है कि हेपेटिक यानी कि लीवर से ही रिलेटेड है तो ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एटी पे आते हैं विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस प्लासेंटा कौन से इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस करता है तो इम्यूनोग्लोबिन ऑप्शन है डी एम ई जी क्या होगा बेटा जो प्लासेंटा से क्रॉस करता है जल्दी से बताइए इस वाले क्वेश्चंस को जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस है है ना एंटीबॉडी मैंने बहुत बार माइक्रोबायोलॉजी में भी आपको बताया है है ना तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर अरे बी कहां से होगा भाई बी कहां से होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आईजीजी है ना आईजीजी प्लासेंटा क्रॉस करता है ए जो होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है एम जो होता है वो सबसे पहले यानी कि जो इन्फॅट होते हैं बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें जो डेवलप होता है वो एम होता है ई e जो होता है वो अलर्जी के लिए होता है है ना तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा जी है ना बी करेक्ट नहीं होंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन याद रखेंगे ठीक है एक बार इसको देख लेना इम्यूनोग्लोबिन दैट क्रॉस प्लासेंटा आई जी जी इम्यूनोग्लोबिन सिंसेसाइड बाई दिट्स यानी जो बच्चे होते हैं आई जी एम इम्यूनोग्लोबिन और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आईजीएम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स भी कौन देता है आईजीएम ये वाला ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको तो आप पढ़ करके ही जाना बहुत बार एंटीबॉडी का क्वेश्चन जीपैट में बने हैं और ये वाला डेटा अगर आप याद करके जाते हो तो मोस्ट है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा तो इम्यूनोग्लोब्लिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन आईजी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे इम्योनोग्लोबिन रिप्रेजेंट और बी सेल सर्फेस ऑफ रिसेप्टर आईजीएम एंड आई होता है कैपेबल ऑफ ट्री एक्टिवेशन के लिए आईजीजी और एम होता है प्रेजेंट इन सिक्रीशन सिक्रीशन में आईजीए ए होता है और पियर्स पैचेस में आईजीए ए होता है जो स्टमक वाले जो स्प्लीन्स जहां पर आपको आ, ये सेकेंडरी लिफॉइड ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं तो वहां पर भी आईजीए ए आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना स्टूडेंट यहां से क्वेश्चंस आपको जीपेट में बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गिवन बिलो टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीन ट्रांसफर जीन ट्रांसफर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इट इज द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ निकेड डीएनए इज ट्रांसफर्ड बिटवीन माइक्रोबियल सेल सेकंड स्टेटमेंट टू कंजुगेशन कंजुगेशन टेक्निक इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल फील्ड में मेम्ब्रेन परम्यूबलाइजेशन आपने पढ़ा होगा ना कि एक तो एंटीबायोटिक्स में सर ने आपको बताया होंगे कि तीन तरह के क्या होते हैं रजिस्टेंस होते हैं तीन तरह के रजिस्टेंस में आपने वहां पे पढ़ा होगा कि क्या क्या होते हैं तो एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन तीन मेथोडोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है एक बैक्टीरिया जो है अगर उसके पास खुद रजिस्टेंस फैक्टर आ गया तो वो क्या करता है में में उसको उसको डोनेट कर 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 देता है डीएनए के फॉर्म दूसरे ने, में, ने उसको क्या लिया लिया रिसीव कर लिया. ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन का मतलब बैक्टीर वायरस जो है वो उस बैक्टीरिया को खाता है और उस बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई आर फैक्टर यानी रजिस्टेंस फैक्टर है तो उसको वो बाहर छोड़ देता है ताकि दूसरे बैक्टीरिया उसको रिसीव कर लेते हैं तो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है बैक्टीरियो फेस

तो स्टेटमेंट सेकेंड इज इन करेक्ट यहां पर तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब इनके दिए गए हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं ट्रांसडक्शन क्या होते हैं और इलेक्ट्रोपोरेशन और क्या होते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या किया? कि जो इलेक्ट्रिक को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लाज्मा के अंदर में वो इलेक्ट्रोपोरेशन कहलाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन कंजुगेशन आई होप आप क्वेश्चन पर क्या कर लिए लिए सॉल्व कर ये मैकेनिज्म दिया गया है अलग अलग बैक्टीरियल कंजुगेशन सेक्सुअल पिली के थ्रू होते हैं है ना है नेक्स्ट आते हैं द प्रोटोप्लास्ट इज प्रोटोप्लास्ट भी आपने पढ़ा होगा प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है सेल विदाउट सेल वॉल सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ सेल फ्री डी एन ए थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गे एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव द प्रोटोप्लास्ट इज प्रोटोप्लास्ट क्या होते स्टूडेंट बताइए सेल विदाउट सेल सेलबॉल ट्रांसफर ऑफ सेल फ्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑफ एंड नन द एबव ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस है इसका भी आंसर जल्दी से बताइए आप लोग तो प्रोटोप्लास्ट प्रोट क्या हो जाएगा द सेल विदाउट सेल बॉल ऑप्शन ऑब्वियस ऑप्शन ए यहां पर क्या है स्टूडेंट करेक्ट है ठीक है तो सेल विदाउट सेल बॉल इज कॉल्ड एज द

होते हैं एक डायाटोम और एक डीनोफ्लैज दोनों में सेलबॉल होते हैं और दोनों में बने क्या चीज के होते हैं के बने होते हैं तो ये ये भी पॉइंट याद रखना है सेलबॉल से रिलेटेड कंसेप्ट आपको क्या करना है ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं डीएनए मॉलिकल्स कैन बी कट इनटू डिफरेंट डिट फ्रेगमेंट डी एन ए हमने डिफरेंट फ्रेगमेंट में कट कर दिए बाय अ ग्रुप ऑफ एंजाम कॉलर द रिस्ट्रिक्श एंडोनिकलेजियस एंडोनिकलेज एंजाम के हम को क्या करते हैं डिफरेंट पार्ट में कट करते हैं दिस स्ट्रेच ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एग्जिस्ट इन ऑफ अ वेरियस लेंथ कॉल्ड अब इसको स्ट्रेच किया जाता है वेरियस लेंथ में उसे हम क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म हाइब्रिड प्रोब एंड ऑल ऑफ द अबव हमने उसको कट किया उसके बाद उसको स्ट्रेच किया उस केस को हम क्या कहते हैं जी पोलिमोर्फिज हाइब्रिड प्रूव एंड ऑल ऑफ द क्या होगा करेक्ट आंसर अब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम हम दे सकते हैं क्या तो उससे अब पता नहीं कि तुम हो क्या कहां से हो क्या कर रहे हो तो हमें क्या पता बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन लाइसेंस अगर तुम्हारे बन जाएंगे यानी रजिस्ट्रेशन अगर पीसीआई ऑफिस में हो जाएगा तो दे सकते हो ठीक है बाकी अलग अलग स्टेट के अलग अलग लेवल पे एग्जाम होते रहते हैं चले तो क्या उसे कहेंगे ऑप्शन 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 सी अरे प्रोब क्यों कहेंगे भाई प्रोब यहां पर कहां से आ जाएगा बेटा यार शायद पोलीमोरफिज्म होगा ना यहां पर करेक्ट आंसर हाँ पोलीमोरफिज्म होंगे करेक्ट आंसर प्रोब कहां से आ जाएंगे प्रोप तो मैंने अलग आपको बताया था यार है ना तो पोलीमोरफिज्म होता है कंफ्यूज मत होइए आप चीजों को लेकर के है ना तो यहां पर याद रखेंगे बेटा पॉइंट को एक बार पढ़ लेंगे

जी से ही होगा ठीक है जी पैट से आपको हो जाएगा हैदराबाद में लेकिन स्टाइफिन नहीं मिलता यह भी याद रखिएगा है ना एम में जो आप स्कॉलरशिप बारह हजार चार सौ अड़तालीस रुपया जो आपको दिया जाता है नाइपर जी पैड क्रैक होने के बाद वो आपको नहीं मिलेगा जब आप फार्मा एम करोगे तो ठीक है वो आपको घर से लगाने पड़ेंगे लगभग पाँच लाख का टोटल कॉस्ट आएगा हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ लेकर के नाइपर हैदराबाद और शायद मोहाली में दो जगह है दो ही जगह वह है अहमदाबाद या और हैदराबाद दो जगह कहीं हैदराबाद में तो कंफर्म हूं है ना और एक जगह और है दो ही जगह नाइपर में आपको एम देखने को मिलता है ठीक है बहुत कम सीटें आती है लगभग थर्टी या फोर्टी सीटें अराउंड होती है दोनों जगह मिला करके बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसने डिस्कवर किए थे भाई सबसे पहले तो याद रखेंगे अलेक्स जेफ्रिज यस ऑप्शन डी आप लोग जो कह रहे थे बेटा बिल्कुल सही है ठीक है ज़ेफ्रेज़ याद कर लेना उनके बारे में ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स प्रिंटिंग्स आपने पढ़ा होगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए है ना सबका सिक्वेंसिंग अलग है आपको मालूम है पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट जीरो वन परसेंट हम क्या एक दूसरे से डिफर हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिक्स पेयर ही डिफर करते हैं ये सब अपन बाद में आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी ठीक है चले DNA हो गया गया है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते टू आर गिवन अब यहां पर और दिया स्टूडेंट क्या करा स्पेफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इना आर्टिफिशियल मीडिया ऑब्वियस सही है दिस टेक्नोलॉजी कॉलेज ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है इस सेकेंड सेल हैज द कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन हाइब्रिड के पास एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है डिराइव फ्रॉम द बी सेल एट द सेम टाइम इट कैन डिवाइड कंटिन्यूसली बाई क्वालिटी डिराइव फ्रॉम द माइलोमा सेल माइलोमा सेल जब हमारे कैंसर सेल होते हैं ये भी सही लग रहा है बाई कंबाइनिंग द डिजाव क्वालिटीज ऑफ द बोथ द सेल द टेक्नोलॉजी इन्ार्ज एंटीबॉडी प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल स्पेशी बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट एंसर एम को छोड़ करके सब में स्टाइफन है ठीक है बस MBA को ठीक है ना यहां पर जल्दी से आइए क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑप्शन यहां पर क्या लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है क्या हाँ जी है ना हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से दोनों चीजें क्लियर है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ऑप्शन जो रीजन यानी कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका का ठीक है तो ये हाइब्रिड ओमा टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है इसको एक बार आपको क्या करना है रीड कर लेना है एक बार इसको आपको पढ़ लेना है एंटी ये क्या है हाइब्रिड सेल हैज द कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन डिराइव फ्रॉम बी सेल एक बार इसको रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दैट टोटी पोटेंसी एक्सेप्ट अब यहां पर भी एक्सेप्ट पूछा गया है याद रखेंगे टोटी पोटेंसी का एक्सेप्शन पूछा जा रहा है यानी कि ऑलमोस्ट सारे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे कोई एक आध स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट होगा किससे रिलेटेड टोटी पोटेंसी से तो देखते हैं टोटी पोटेंसी इज जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल टू प्रोड्यूस द एंटायर प्लांट ये सही है ना हम प्लांट का एक पार्ट लेते हैं और एक एंटायर प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं आपने पढ़ा होगा फ्लोरिकल्चर वगैरह में या तो आपने भाई प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह में आपने डिस्कस किया होगा है ना तो टोटी पोटेंसी से एंटायर प्लांट बनाते तो ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट ए तो करेक्ट लग रहा है जल्दी से इसका आंसर बताओ आप लोग है ना द सेल दैट कंप्राइजेज कैलस मास और टोटी पोटेंट ये भी स्टेटमेंट बताइए क्या होगा आई होप ये भी सही है Tuti, हाँ सही ही है है ना टोटी सेल इज मैनिफेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द देंशन एट दमोन्स इन द प्रोसेस प्ले द मेजर रोल रोलिएशन जब होता है होने का मतलब है जब ये मैच्योर होते हैं स्टूडेंट तो मैच्योरिटी जब आती है उस केस में क्या होते हैं डिफरेंट हॉर्मोन्स यहाँ पर क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो आई होप ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू पोटेंसी है ना एक्सेप्शन यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर ऑप्शन डी आई होप क्या हो जाएगा करेक्ट होगा क्या ऑप्शन डी यहां पर क्या होंगे करेक्ट होंगे यानी ऑल आर करेक्ट अबाउट द टोटी पोटेंसी नो वन इज एक्सेप्ट देन टोटी पोटेंसी यानी कुछ भी यहां पर इनकरेक्ट आपको नहीं मिल रहा है इसलिए ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे एक बार आप इसको पढ़ लेंगे कि टोटी पोटेंसी में किया क्या किया जाता है तो ये जेनेटिक पोटेंशियल के थ्रू प्लांट सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है एंटायर प्लांट को और बाकी सारे प्रॉपर्टीज आप यहां पर क्या कर सकते हो एक बार स्क्रीन शॉट लेकर के इसको रीड कर सकते हो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें जो है बेटा वो क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा ठीक है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जीन बैंक आर द कलेक्शन ऑफ जीन बैंक कलेक्शन जो होता है क्या चीज का हम करते हैं वहां पर सीड का टिश्यूज का क्रायो क्रायो प्रिजर्वेशन आपने पढ़ा होगा कि आ, आ, हम लो टेम्परेचर पर चीजों को प्रिजर्व करते हैं ऑल ऑफ द तो जीन बैंक आर द कलेक्शन ऑफ हमें जीन को क्या करना है करेक्ट करना है, है ना क्या करना है स्टूडेंट जीन को हमें करेक्ट सॉरी प्रिजर्व करना है कलेक्ट करके रखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं तो अबियस यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हाजी सीड बैंक के थ्रू भी हम जीन को प्रिजर्व कर सकते हैं टिश्यूज के बैंक के थ्रू भी क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू भी तो ऑल ऑफ ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है कर लोगे चले तो जीन बैंक में क्या है जीन बैंक क्या टाइप ऑफ बायो वही है बायो द प्रिजर्व करते हैं याद रखेंगे सीड बैंक टिश्यू बैंक क्रायो बैंक पोलिन बैंक फील्ड जीन बैंक स्पर्म बैंक ओबा बैंक ये सब के सब क्या आ जाते हैं आपके जीन बैंक के अंदर में आ जाते हैं तो एग्जाम्पल्स आपको ये सारे के सारे क्या करने हैं ध्यान रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विद यर डायग्नोस्टिक टेस्ट अब यहाँ पर कुछ डिजीज है और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनको डायग्नोस करने का टेस्ट है बताइए ऑटो इम्यून डिजीज किस किस टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं सीफिलिस किसके थ्रू कर सकते हैं एलिजा किसके थ्रू कर सकते हैं और रिकल इन्फेक्शन किसके थ्रू कर सकते हैं बताइए स्टूडेंट जल्दी से तो क्वेश्चन थर्टीन एटी एट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी करेक्ट आंसर बताइए अरे बोर क्यों होंगे भाई है ना करेक्ट आंसर बताओ मैच द मैलोइंग डिजीज डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ बताओ ना क्या होगा सीफिलिस तो अपन माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़े थे ना भाई सीफिलिस में क्या किया गया था जो साइकोपर्सन था वॉशरमैन टेस्ट याद करवाया था ना तो वीडियरएल हो जाएगा क्या क्यू का ए बताओ आ गया ना इन दोनों पर एलिजा एड्स के लिए है ना तो बताइए आर का भी मिल गया आंसर आपका ऑटो का क्या हो जाएगा कुंभ और इसका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट क्या ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ऑटो क्यों हो जाएगा भाई कुंभ टेस्ट है ना तो याद रखेंगे यहां पर ठीक है तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज में आपका कुंभ टेस्ट है में VDRL टेस्ट है इसमें वॉसरमैन टेस्ट भी होता है एलिजा एड्स में होता है एलिजा uh, टेस्ट रिया टेस्ट फोज रिबियो टेस्ट पीसीआर टेस्ट है ना ये सब के सब क्या है एड्स के हैं इसका एक ट्रिक है जी ट्रिक से भी अपन याद करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को कि एड्स हुआ था रिया और एलिसा को दो लड़की को क्या हुआ था भाई मतलब ऐसे अपन याद कर रहे हैं बस इसको अदरवाइज किसी को नहीं लेना है तो रिया और एलिजा को क्या हुआ था इसलिए मैं ट्रिक बताता नहीं हूं है ना तो रिया और एलिजा क्योंकि तुम फिर यहाँ पर शुरू हो जाओगे कहानी अपना बनाना तो रिया और एलिजा को टेस्ट क्या हुआ था भाई एड्स हुआ था तो क्या हुआ भाई कि अब रिया तो कंट्री से बाहर चले गई क्योंकि उसको पता था कि इंडिया में वो रहने नहीं देंगे कोई उसको एलिजा कहाँ पे गई इंडिया में ही रहने लगी अच्छा रिया कहाँ गई कंट्री से बाहर तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कौन सी कंट्री चली गई वेस्टर्न कंट्री तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एलिजा इंडिया में ही थी लोग उसको परेशान करने लगे तो वो पुलिस के यहाँ कंप्लेन करने गई पी टेस्ट पुलिस ने बोला मेरे से कुछ नहीं होगा फौजियों के पास जाओ तो फूजी रिव्यू टेस्ट है ना फूजी रिव्यू टेस्ट ये सबके सबके यहाँ एच आई बी एड्स के टेस्ट हैं ठीक है ऑप्शन ए कर लोगे, याद रखना। भी मैंने याद करवाया था वॉसरमैन था याद किए थे एड्स का मैंने बता ही दिया टाइफाइड एक विडाल विडाल टेस्ट टाइफाइड एक वाइडल डिजीज है कैसे याद करेंगे वाइडल वाइडल से हो जाएगा विडाल टेस्ट सीफिलिस मैंने आपको बता ही दिया वॉसरमैन है और आपका एक वीडियरएल टेस्ट है दो टेस्ट हैं ऑटो इम्यून में याद रखेंगे कुंभ टेस्ट है और में कौन टेस्ट है, है ना ये याद रखना है आपको कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं थर्टी न, थर्टी में इन प्लांट टिश्यू कल्चर इसलिए नहीं बताता हूं ट्रिक है ना कि ट्रिक बताऊंगा ना तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या हो जाओगे शुरू हो जाओगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन प्लांट टिश्यू कल्चर हाई ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बताइए इन प्लांट टिश्यू कल्चर क्या कह रहा बेटा अगर ऑक्सीजन का रेशियो हाई है साइटोकाइनिन के कंपेयर में तो क्या होगा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स क्लास इलेवेंथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर यूनिट नंबर फोर चैप्टर नंबर मैं बता रहा हूं चार तीन सात दो नौ और दो ग्यारह बारह चैप्टर नंबर बारह में 13 में चैप्टर नंबर थर्टीन में बताओ क्या हो जाएगा यहां पर ऑक्जीन अगर साइटोकाइनिन से ज्यादा है तो रूट का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अगर ऑक्जीन साइटोकाइनिन से कम होते हैं तो सूट का फॉर्मेशन होते हैं हाँ जी ऑप्शन बी बिल्कुल आप करेक्ट लगा रहे हो ध्यान रखना अच्छे से अगर ऑक्सीजन ज्यादा है साइटोकाइनिन से सो रूट और अगर ऑक्सीजन कम है साइटोकाइनिन से सूट तो यहां पर ऑक्सीजिन ज्यादा है इसलिए ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्लियर हां जी फार्मा में भी आपने पढ़ा होगा तो एक बार इसको पढ़ लेना कि ऑक्सीजिन ज्यादा है तो रूट और साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट और ऑक्सीजन साइटोकाइन वन इंस टू वन क्या होता है कैलस फॉर्मेशन में रेशियो में क्या होता है यूज होता है ये तीन पॉइंट आपको यहां से क्या करना है स्टूडेंट याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट यूज इन डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस मेलिटस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट को यूज किया जाता है क्या नाम है नाम से ही समझ में आ रहा है ह्यूमलिन ह्यूमाट्रोप एडवेट और एनजी बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइनटी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्या होगा द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट यूज इन डायबिटीज मेलिटस क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ना ह्यूमलिन है ना न्यूमलिन ही होगा ना अरे तुम लोग चैप्टर नंबर पे क्यों चले गए हो यूनिट नंबर फोर में प्लांट फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर क्या था मिनरल न्यूट्रिशन सेकंड है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट थर्ड क्या है फोटोसिंथेसिस फोर्थ क्या है तो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर यही है ना बस खत्म हो गया चलिए तो थर्टी में आ जाते हैं डायबिटीज मेलिटस में ह्यूमलिन ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको एक बार देख लेना यह प्रोडक्ट आप लोग पहले भी स्क्रीनशॉट ले चुके हो वहीं से ये वाला भी क्वेश्चन है बेटा इसको आपको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना ठीक है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन बिलो द थ्री स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड ब्लॉटिंग टेक्निक न्यूक्क एसिड ब्लॉकिंग ब्लॉटिंग टेक्निक थ्रू तीन स्टेटमेंट है सोदर्न ब्लॉट इट इज यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन नॉर्दर्न ब्लॉट डिटेक्ट डीएनए वेस्टर्न ब्लॉट डिटेक्ट आरएनए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर थर्टीन नाइनटी वन क्वेश्चन का तीन ब्लॉटिंग टेक्निक है सौदर्न ब्लॉट नॉर्दर्न ब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट सौदर्न ब्लॉट का क्या कह रहा है कि प्रोटीन को डिटेक्ट करता है नॉर्दर्न ब्लॉट जो है वो कह रहा है कि डीएनए को डिटेक्ट करता है और वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो आरएनए को डिटेक्ट करता है क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर गिवन बिलो थ्री स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या होंगे करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए सॉर्न ब्लॉट नॉर्दर्न ब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट तीनों स्टेटमेंट्स तीनों स्टेटमेंट्स क्या है जी करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं है ऑप्शन है. नंबर क्या हो जाएगा बी हियर इज द करेक्ट आंसर ठीक है सबके सब क्या है जी गलत हैं तो याद रखेंगे तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द प्रोटीन ब्लॉट एंड ब्लॉटिकेशन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज याद रखेंगे वेस्टर्न ब्लॉट में प्रोटीन यूज होते हैं ब्लॉट में क्या है सोर्न ब्लॉट इज लेबोरेटरी मेथड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल सोदर्न ब्लॉट नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एन ए ठीक है तो ये आपका करेक्ट आंसर है तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही था 92 पे आते हैं, और ब्रेकिंग एच बोन बेस इन रेप्लिकेशन क्या करा? ब्रेकिंग एच बोन बेस कौन से? अब बताओ यहाँ पर तो सही आंसर ही दिया गया हेलीकेज एंजाइम है ना डायरेक्ट आंसर ही दे दिया गया है ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है ना हेलीकेज ही तो हाइड्रोजन बोन को ब्रेक डाउन करते आप आपने पढ़ा भी होगा तो हेलीकेज यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो यही वाला क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व है डीएनए पोलिमरेज आपको याद रखना है डी ऑक्सिन में हेलीकेज आपका अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए है टोपो आज आपको मालूम है कि ये क्या करते हैं तो जो टोपोलॉजी है यानी कि डीएनए में जो सुपर क्वालिंग होती है उसके लिए होता है आरएनए प्राइमेज इनिशिएट करता है आरएनए प्राइमर्स को ताकि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है इन एंजाइम्स के रिलेटेड क्या करना है याद रखना है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन च वन इज द इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुल से रिलेटेड इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है स्टूडेंट ठीक है क्या है तो इम्यूनोग्लोबुलिन आर ग्लाइको प्रोटीन मोलिक्यूल्स इम्यूनोग्लोबिन फंक्शन आर एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूक्ट बाय द प्लाज्मा सेल अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नन ऑफ द एबव क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए चलो क्या हो जाएगा विच इज इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इम्यूनोग्लोबोलिन क्या हो जाएंगे बेटा तो ऑल आर करेक्ट ना एक्सेप्ट ठीक है यहां पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा था तो, तो इन करेक्ट क्या नन ऑफ सब, तो, सब क्या है करेक्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन डी यहां पर क्या है करेक्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड एक बार इसको आप पढ़ लेना कि क्या है कैसे है क्या इसका सही आंसर होगा ठीक है और इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडी आपने पहले भी इन चीजों को क्या क्या हो पढ़ा होगा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट आर यूज इन हीमोफीलिया ए तो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट विच रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट आर यूज इन हीमोफीलिया ए हिमोफिलिया ए में किस रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को यूज किया जाता है ठीक है कोगिनेट और और अच्छा का मतलब समझ में आ गया ना क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा हीमोफिलिया का मतलब क्या होता है प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं हिमोफिलिया कहते हैं यही है ना तो अगर हम कॉगुलेशन करवा दें तो वो ठीक हो जाएगा और यहाँ पर क्या है ट वर्ड उससे मिलता जुलता है क्या तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में इस केस में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा cozinate. ठीक है ना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा हीमोफीलिया से रिलेटेड ठीक है कर लोगे इसको एक बार पढ़ो ना इसको एक बार आप पढ़ोगे इसको आपको सारे फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे सारे आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे आपने पहले भी इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है ठीक है इसलिए मैं जल्दी से इसको बढ़ा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑर्गेनोजिनेसिस ऑर्गेनोजिनेसिस इज क्या है डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल टू फॉर्म ऑर्गेन फॉर्मेशन ऑफ एन एंटायर प्लांट एंड फॉर्मेशन ऑफ अन ऑर्गेनाइज टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो. का सिंपल मतलब क्या होता है अरे नहीं लेते हैं बेटा क्लास है ना नीट का क्लास लेते हैं नहीं लेते हैं ना ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब बताओ जल्दी से बताओ कि क्या होगा करेक्ट आंसर ऑर्गेनोजेनेसिस साफ साफ समझ में आ रहा ना कि ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन होता है डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया मैच्योरेशन यानी कि एक फंक्शन के प्रॉपर्टी डेवलप होना किसी प्लांट के अंदर में तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या टू फॉर्म ऑर्गन्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना द ऑर्गेनोजेनेसिस क्लियर कम टू द नेक्स्ट वही ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है कि ऑर्गेस का फॉर्मेशन एक्टोडर्म इजोडम एंडोडर्म आपने तीन लेयर पढ़ा होगा इन तीनों लेयर से हमारी बॉडी का क्या होता है सिंथेसिस होता है आपने इन सारी चीजों को पढ़ रखा है तो इन प्लांट टिश्यू कल्चर ऑर्गेजिनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन फॉर्म द कल्चर्ड एक्सप्लांट एक्सप्लांट से क्या करता किया जाता है तो ऑर्गेस का फॉर्मेशन जैसे कि रूट लीव्स फ्लावर इन सबके सिंथेसिस करना ही क्या करा था ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन organ का जनरेशन होना जेनेसिस होना फॉर्मेशन होना कम टू द 96 टू स्टेटमेंट वन इज लेवल क्या कर रहा है इन द टेक्निक्वेश्चन है फ्रेगमेंट ऑफ इसीएन पोलिमरेज यूज यानी कि फ्रेगमेंट यूज होता है फ्रेश एंजाइम है आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहले यूज होता था लेकिन बार बार क्या किया जाता था क्योंकि डी प्रोसेस में या जो भी पूरी प्रोसेस है हो 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 या हो चाहे वो एक्सटेंशन का मैकेनिज्म तीनों प्रोसेस जो होते हैं पीसीआर में क्या होता है हाई पे होता है दैट्स जो हमारा एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाता है तो हर स्टेप में आपको नई डीएनए को ऑन करना पड़ता तो है तो बिल्कुल असरसन क्या कर रहा है बिल्कुल करेक्ट है असरसन तो बिल्कुल क्या है करेक्ट है रीजन क्या कह रहा है आप आंसर लगा लीजिए है ना आंसर लगा लीजिए दिस एंजाइम गेट डी एट हाइयर टेम्परेचर दियर फॉर फ्रेश एंजाइम हैज टू बी एडेड फॉर इच साइकिल ऑब्वियस ये एंजाइम जो आप यूज कर रहे हो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर टेक्निक्स में वो हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड हो रहे थे डीनिशर्ड हो रहे थे इसलिए हर स्टेप इस में हर फेज में आपको नई डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करना होता था तो असरसन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड जो रीजन जो है बेटा वो क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असरसन का तो दैट्स वाई हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाद में टैक पोलिमरेज एंजाइम यूज होने लगा जो थर्मस एक्वेटिक से ऑबेन किया गया था ठीक है जो जिसको ये प्रॉब्लम अब नहीं हुई क्योंकि टैक पोलिमरेज हाई टेम्परेचर पे अपने आप को स्टेबल रखता था तो बार बार जो हम दिए एंजाइम को चेंज करते थे हर स्टेज में वो चेंज करने वाली प्रॉपर्टीज बाद में चेंज हो गई थी ठीक है मतलब ठीक हो गई थी तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा ठीक है ये तो सही हो गया तो यहां पर वही दिया गया कि सोर्स ऑफ डीएन पॉलीमरेज में इन द ओरिजिनल टेक्निक पीसीआर जो आपका हाई रेसलिया कोलाइड में क्या होता दिस हाँ है दिस एंजाइम गेट डीनेचर्ड एज हाई टेम्परेचर दैपो तो फ्रेश एंजाइम हैड टू बी एडेड यही कह रहा है बेटा बाद में टैक पॉलीमरेज क्या किया गया यूज किया गया ठीक है जो बाद में इस प्रॉब्लम को क्या किया सॉर्ट किया तो ये भी क्वेश्चंस आई होप आपको कंप्लीट हो गया द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडीज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है तो दो बोन्ड होते हैं जी दो हैवी चैन होते हैं और दो क्या होते हैं लाइट चैन होते हैं आपने पढ़ा होगा ना इस टाइप से आपने पढ़ा होगा कि दो क्या होते हैं बेटा तो ये दो हैवी चैन और दो क्या होते हैं लाइट चैन ऐसे ही था ना ठीक है डाई सल्फाइड बोन्ड से जुड़े होते हैं ये हैवी चैन और लाइट चैन तो कैसे शेप में है जी तो इसका तो आंसर सबको पता होगा ऑप्शंस क्या हो जाएंगे है ना एंटीबॉडीज कैसे होंगे ऑप्शन ए यानी कि बाई सेव्ड इन नेचर होगा कैसा होगा बाई सेफ्ड नेचर का होगा ये सबको पता है ठीक है बाइसेफ्ड नेचर के होते हैं ये देख लो ना याद रखना है, दो हैवी चैन होते हैं दो लाइट चेन होते हैं हैवी चैन और लाइट चैन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं जुड़े होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइड दोनों के ऊपर में प्रेजेंट है ये सब एक बार चीजों को क्या कर लेना देख लेना ठीक है ये हैवी चेन है ये लाइट चैन है और बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पे आते हैं ट्रीटमेंट विद एक्सोन्यूक्स लीड टू रिमूवल ऑफ एक्सोन के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आगे क्या करेगा तो ट्रीटमेंट विद एक्स क्या करता है प्रोटीन तो, तो बताइए एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है किसको रिमूव करता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाम एक्सोन्यूक्लियस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बाहर किसको करेगा जी ऑप्शन ए है रेमिनेंट ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए आरएनए एन एज प्लाज्मी डीएनए विच सर्कुलराइज एंड प्रोटीन क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर इस केस में जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन नाइनटी एट का वन थ्री नाइन एट का क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्या करेगा क्या करेगा बेटा रेमेंट ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए है ना ट जो क्रोमोजोमल डीएनए का होगा शेष बचा हुआ भाग होगा उसको रिमूव करेगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या होगा करेक्ट होगा हाँ जी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा तो याद रखेंगे लीड टू द रिमूवल ऑफ ऑफ डीएनए है linear end. Linear end है ना बिकॉज दे आर हैविंग एंड एंड होता इसलिए क्या करता है जो रेमेंट होते हैं जो शेष बचा हुआ भाग है क्रमोजोमल डीएनए का उसको वो क्या करते हैं स्टूडेंट रिमूव करते हैं पॉइंट कर लोगे मतलब हो जाएगा ना सॉल्व समझ में आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल इंजुरी सेन है स्टेटमेंट सेकेंड सपरेशन टी सेल इनहिबिट द एक्टिवेशन फेज ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स बताइए दो स्टेटमेंट है सेल इंजुरी से रिलेटेड बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? कौन से इनकरेक्ट हैं क्या हो जाएगा बेटा दो स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर एंड द सपरेशर टी सेल इज द इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ एज ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ना बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट दोनों के दोनों क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि हेल्पर टी सेल क्या करते हैं सप्रेशर सेल क्या होता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगा इम्यूनोलॉजी एडवार्ड जेनर है जी, 1749, 1822, इनका life span, मतलब उस समय तक ये सर्वाइव रहे थे है ना तो एक बार इसको पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं टैक डीएनए एन है, है ना अभी अपन पढ़े थे टैक डीएनए एन क्या है जी So, option option so, ज अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में क्या है टैक पोलीमरेज क्या है जी कहां पर यूज होंगे ऑप्शन बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसके टैक पोलिमरेज यूज होगा ऑब्वियस है ना थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया इसको यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर जाते हैं इसलिए इसको डी प्रोसेस में या तो हम कह सकते हैं कि पीसीआर टेक्निक्स में इसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं ताकि नाइन्टी टू नाइन्टी डिग्री हाइस्ट जो टेम्परेचर है डी का उस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सके तो टैक पोलिमरेज का हो जाएगा यूज इन पी ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन से एंजाइम है उनका यूज उनका रिएक्शन क्या है पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद फिर ये और भी है, इनके बारे में आप रीड कर लीजिएगा यह आपका बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस का 50 क्वेश्चंस जो है बेटा क्या हो गए आज कंप्लीट हो गए है ना तो टोटल हम लोग फिफ्टी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मैराथन सीरीज में टोटल हम लोग फोर्टीन को सॉल्व कर लिए हैं अभी तक है ना यानी कि टोटल 1400 क्वेश्चन सॉल्व हो गया लगभग अभी भी नो नाइन हंड्रेड का अराउंड है ना 800 टू 900 हंड्रेड क्वेश्चन अभी भी आपको क्या करना है सॉल्व करना है तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट मैराथन सीरीज में मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ थर्ड भी अभी बाकी है उसमें अभी हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है उसके देखेंगे। उसके बाद, के भी में हम आपसे जुड़ेंगे ठीक है तो अगली क्लास में अगली मैराथन सीरीज में जरूर मिलेंगे बेटा आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है टाइम्स बहुत कम है कब पेपर होगा उसकी टेंशन आप मत लो आप तो बिल्कुल प्रिपेयर रहो कि जिस दिन भी एग्जामिनेशन एंट्री कंडक्ट करेगा जीपेट का आप कैपेबल रहोगे अपनी स्कोर को सिक्योर करने के लिए ठीक है ये मजाक मस्ती बहुत ज्यादा करते हो इसको थोड़ा कम कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए है ना तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ थैंक यू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग जी डी सी और...